मेरा नाम दलविंदर सिंह और मेरा लीवर का प्रॉब्लम था, जो पहले मैंने 3-4 हॉस्पिटल पंजाब में दिखाया था और फिर हमें किसी ने बताया डॉक्टर इससे आँखा से हॉस्पिटल का, और फिर यहाँ आए, यहाँ आके चेकअप कराया, फिर सारा मेरी स्टिंग जो भी थी कंडीशन सबको पहले नॉर्मल करके फिर ट्रांसफ़र का या उन्होंने प्लान किया। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर आशीष जॉर्ज है। मैं आकाश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लिवर ट्रांसप्लांट एंड जीआई सर्जरी डिपार्टमेंट में सीनियर कंसल्टेंट हूँ। आज जिस पेशेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, मिस्टर धर्मेंद्र सिंह, हमारे पास अमृतसर से आए थे। वो सफ़र कर रहे थे अक्यूट एंड क्रॉनिक लिवर फेलियर, जो कि एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है अगर ट्रीटमेंट टाइम से ना मिले। जब आए थे तो बहुत सिक थे, इन्फेक्शन था उनकी किडनी पे भी, लिवर ख़राब होने की वजह से असर पड़ा था। इस वजह से उनको हमने पहले आईसीयू में एक हफ़्ता मैनेज किया मेडिसिन से और बाकी ट्रीटमेंट से। उसके बाद जब वो थोड़े ठीक हुए, उसके बाद हमने उनको ट्रांसप्लांट के लिए तैयार किया। उनकी सिस्टर मिसेस प्रदीप ने आगे आके लिवर डोनेट करने के लिए हामी भरी। उनका भी पूरा डिटेल्ड इवेल्यूएशन किया गया था देखने के लिए कि वो भी लिवर डोनेट करने के लिए फिट है या नहीं है। उसके बाद हमने दोनों को ट्रांसप्लांट के लिए तैयार करके उनको ऑपरेशन के लिए लिया था। ऑपरेशन के बाद प्रदीप जी की डिस्चार्ज 6 दिन में हॉस्पिटल से हो गई थी। पेशेंट क्योंकि पहले से ज़्यादा सिक थे, इसीलिए उनको 5 दिन हमने पहले आईसीयू में रखा। उसके बाद हमने उन्हें वार्ड शिफ्ट किया, वार्ड में भी कंटिन्यूसली मैनेज किया और पोस्ट ऑपरेटिव डे 16 पे उनका डिस्चार्ज किया। उसके बाद प्रदीप जी अराउंड 3 हफ्ते और हमारे साथ ओपीडी में बनी रहीं। उसके बाद शी वेंट बैक टू हर होम। धर्मेंद्र जी क्योंकि पोस्ट ट्रांसप्लांट दवाइयाँ बहुत चलती हैं, उसके लिए उनको 1.5 महीने के लिए फॉलोअप में हमने अपने पास रखा। हाँ जी, मेरा नाम बलविंदर कौर, मैं धर्मेंद्र सिंह की वाइफ हूँ। धर्मेंद्र सिंह की कंडीशन बहुत क्रिटिकल सी, इस करके असी आकाश हॉस्पिटल में चले के आए। बाकी अजिताभ डॉक्टर, डॉक्टर आशीष ने बहुत साड़ी हेल्प की, इन्होंने वधिया ट्रीटमेंट दिता, इन्होंने करके साडे मेरे हसबेंड हुण बिल्कुल ठीक ने। अब वो काफ़ी बेहतर हैं, उनके लिवर फंक्शन नॉर्मल है, बाकी रिपोर्ट भी सब नॉर्मल है, सारे काम अपने वो कर पा रहे हैं और आज वो वापस अपने घर जा रहे हैं।